हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। मैं लवकुश अग्रहरी आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं बैचलर ऑफ साइंस बीएससी के कुछ ऐसे मैथमेटिक्स टॉपिक की ओर जो काफ़ी सारे स्टूडेंटों ने क्या कर रखा है, इसे पढ़ा तो जरूर है लेकिन यहां पर सारी जो वैल्यू है उनकी क्या हो जाती है, डिसमैचेज हो जाती है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, रूल्स और नियम को नहीं जाना है। तो डियर स्टूडेंट, आपको अगर मेरा अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप सबसे पहले आप क्या काम करें, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, ताकि मैं ऐसे ही लगातार बेस्ट तरीके से मैथ का वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूँ। हाय फ्रेंड्स, आपको कुछ बारे में तो बात बताना ही होगा कि मैथ में क्या चीज़ बेसिक है, क्या चीज़ बेसिक नहीं है, उसके बारे में क्या करूँगा, डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात है मेरा जर्जरी सीरीज, जो काफ़ी सारे स्टूडेंटों ने क्या किया, इसे पढ़ा भी है और काफ़ी सारे प्रोफेसरों ने इसे पढ़ाया भी है। लेकिन जो जर्जरी सीरीज होती है उसका क्या लेन देन है, क्या उसका विचार है, क्या वो कहना चाहता है, ये सब चीज़ों के बारे में आज मैं अध्ययन करूँगा। आपको इस वीडियो में सारी डिस्कशन करके मैं उसको क्या करूँगा, बताऊँगा। तो आप लोग पूरे एकदम लगातार पूरे मेथड के साथ आप लोग लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो में बड़ा मज़ा आने वाला है। और दूसरी बात क्या है कि अगर आप हमसे अगर जुड़े हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जैसे पूरी मैथ की जो नॉलेज होती है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि मैं एक ही वीडियो में पूरा दे सकूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर देखिए, जो आपकी जर्जरी जो सीरीज होती है आपको क्या दर्शाती है, सबसे पहले आपको जो जर्जरी सीरीज होती है आपको ये बताती है कि इसका टू प्रूव दैट इफ थीटा लाइज विथ इन द क्लोज इंटरवल, यह जो होता है क्लोज इंटरवल को क्या करता है, फॉलो करता है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट हमसे पूछते हैं क्लोज इंटरवल होता क्या है, तो मैं उनको बता दूँ कि जैसे अगर मैं आपको दे दूँ कि क्लोज इंटरवल होता क्या है, तो एक होता है आपका माइनस पाई बाई फोर, एक होता है आपका पाई बाई फोर होता है, ये जो होता है क्लोज इंटरवल होता है, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं इसका पूरा विश्लेषण अगर लिखना चाहूँ तो किस तरीके से लिखूँगा, ये आप उसको देखिए। तो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि आपको जो भी डिस्कशन था यहाँ पर किस तरीके से देना चाहिए, क्या चीज़ नहीं देना चाहिए, ये चीज़ मैं आपको क्या करता हूँ, दिखाता हूँ। अब यहाँ कुछ बातें ध्यान देना आप कि क्या रूल है, क्या रूल कैसे कैसे उसको कंप्लीट करना है, सारी बातें मैं क्या करूँगा एक ही वीडियो में आपको बता दूँगा, ताकि यहाँ तक कोई दिक्कत ना आए और आप क्वेश्चन को आसानी पूर्वक क्या बताओ कंप्लीट कर पाओ, ठीक है। और कंप्लीट करने के बाद हर एक क्वेश्चन को लगाने क्या करो, पूरा प्रयास करो। देखिए, अगर मैं इसे थोड़ा सा मैं हटाता हूँ, मैं इसको यहाँ करता हूँ ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए, और शॉर्ट भी कर देता हूँ आपको, ठीक है। अगर मैं डिस्कशन करना चाहा कि आपका माइनस पाई बाई फोर को हम लिख क्या सकते हैं, तो आप ये कह सकते हो कि माइनस पाई बाई फोर, माइनस पाई बाई फोर इज लेस देन इज ग्रेटर देन विदाउट ऑफ यू थीटा, टोटल अगर आपका यार छोटा भी है बड़ा भी हो सकता है, किसके ऊपर बताओ, पाई बाई फोर के ऊपर हो सकता है। क्या समझे आप लोग, अगर आपको पता है कि जो जर्जरी सीरीज जो होती है इसका एक क्लोज इंटरवल होता है, ठीक है, जो आपके सामने जो क्या है बताओ दिख रहा है कि ये जो होता है माइनस पाई बाई फोर से और प्लस माइनस थीटा, और आपका इज लेस देन इज ग्रेटर देन होगा बताओ पाई बाई फोर से होगा। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि जब इस कंडीशन में जब ये आपका अगर तरीका अगर बनता है तो आप क्या कर सकते हो, इस पर एक देखिए मेथड, सुपरटोनिक मेथड जो हम बोल सकते हैं, ये सब क्या हैं आप इसको समझ सकते हैं। अगर मैं आपसे कभी भी बाई चांस मैं आपसे बोल दूँ कि यहाँ पर आपके सामने अगर इस तरीके से अगर दिया रहेगा, कैसे दिया रहेगा, थीटा इज इक्वल टू टेन, ओके, थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा माइनस वन बाई थ्री, ठीक है, वन बाई थ्री टेन क्यू थीटा, ओके, मैं थोड़ा सा इसको और शॉर्ट करूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक। अब सुनिए आगे क्या दिया है, और ए आपका अगर माइनस टर्म में है तो एक बार अगर प्लस टर्म में ले लो तो ए आपका फाइव और ए आपका टेन फाइव बाई थीटा, इस तरीके से। अगर आपके सामने अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले तो आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपको पूरा इसका डिटेल ही पता है कि डिटेल क्या हो सकते हैं, किस तरीके से आप डिटेल को समझ सकते हैं और क्या इसका तरीका बन सकता है, ये सब चीज़, ठीक है। अगर आपके पास कोई एक क्वेश्चन है, अब क्या है उसको आपको क्या करना है बताओ, देखना है, उसको समझना है, कैसे आप इसको कंप्लीट कर सकते हो, कैसे कंप्लीट आप नहीं कर सकते हो, सारी बातें इसमें क्या किया है बताओ, दर्शाया गया है, ठीक। हर एक क्वेश्चन इसमें क्या किया है बताओ, दिया हुआ है। अब जैसे अगर आपसे मैं पूछ लूँगा
ध्यान देना आगे क्या दिया है आपसे। अगर कभी भी आपसे अगर पूछ लिया ये किस बेस पर किस आइडियाज पर इसका सेक थीटा और आपका ई आई थीटा में आपका कंसेप्शन बना रहा है, आप इसको क्या कर सकते हो, इसको ऐसे ही इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उसको समझ सकते हो, इसको पूरी तरीके से क्या कर सकते हो बताओ, लगा सकते हो। तो आपको समझना है कि इसे कैसे कंप्लीट करेंगे और क्यों कैसे आप इसे देख सकते हो। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, क्योंकि आज से मैं BSc का फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया हूँ। आप इसे अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और अपने फ्रेंडों के भी शेयर कर सकते हैं। और मैं जल्द ही अगले दिन से मैं चैप्टर बाय चैप्टर आपके सामने मैं क्वेश्चन लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।